राज्य का मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। बिहार राज्यपाल के महामहिम की अनुमति से माननीय श्री नीतीश कुमार से अनुरोध है कि प्रज्ञा के मंच पर शपथ ग्रहण के लिए पधारे तथा महामहिम के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा।
के बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुशील कुमार मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ 9 मिनट में यह पूरा का पूरा शपथ ग्रहण समारोह। इसमें आप कह सकते हैं कि शुरुआत में राष्ट्रगान, अंत में राष्ट्रगान और इन सब के बीच दो व्यक्ति नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर और सुशील मोदी डिप्टी सीएम के तौर पर इन्होंने दोनों ने शपथ ली है। इन्हें 28 तारीख को यानी कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है और उससे पहले की राजनीतिक स्थितियां जो भी राजनीतिक तौर पर जो भी स्थिति हो, लेकिन यह हम बतला दें आपको कि बिहार की राजनीति में दरअसल सुशील मोदी और लालू यादव बीएन कॉलेज से निकले हुए थे और जिस समय पटना यूनिवर्सिटी में लालू यादव छात्र यूनियन के अध्यक्ष हुआ करते थे उस समय सुशील मोदी वहां पर जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, महासचिव हुआ करते थे। उस समय नीतीश कुमार पटना यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ते थे तो राजनीतिक तौर पर उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में नीतीश कुमार का आना हुआ और जब जेपी आंदोलन शुरू हुआ तो ये तीनों वहीं से निकले हैं और अब राजनीतिक दरार इतनी चौड़ी है और यह इस रूप में है तो कई नज़ारे एक साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए इस वक्त हम सीधे पटना चल रहे हैं, श्वेता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। श्वेता, जो नज़ारा अंदर का था सिर्फ 9 मिनट का शपथ ग्रहण समारोह, लेकिन राजनीतिक तौर पर क्या पटना क्या दिल्ली, आपने तो हवाई जहाज से भी दोनों के बीच की स्थिति देख ली समझ ली, इस राजनीतिक उथल पुथल में हड़कंप मची हुई है, वहां क्या स्थिति लग रही है?